हेलो फ्रेंड्स, गार्डनिंग 101 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने गार्डन के टमाटर के पौधों के बारे में कुछ टिप्स दूंगी। मैं बताऊंगी कि इसमें अच्छी फ्रूटिंग के लिए क्या उपाय मैं करती हूँ, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। सो प्लीज़ आप जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगता है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए मेरे टमाटर के पौधों में फ्रूटिंग, इसको मैंने 2 महीना पहले ही छोटा सा प्लांट में लेके आई थी नर्सरी से, वो मैंने लगाया था। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, आप जड़ के पास जितनी भी आपकी ये पुरानी पत्तियां या खराब पत्तियां होती हैं उसको मैं निकाल देती हूँ, जिस वजह से जड़ में बराबर धूप लगती रहे, और जो इसकी पत्तियां खराब हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, उनको मैं निकाल देती हूँ। और जो इसकी फ्रूटिंग देखिए, ये जो इसमें फल लग रहे हैं उसको मैं हैंड पॉलिनेशन से डेली 2 बार कम से कम इसको इस स्टाइल में करती हूँ, इससे इसकी फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो मेरे गार्डन में बहुत तितलियाँ और छोटी छोटी चिड़ियाँ बहुत आती हैं, पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट मैं फिर भी इसको इस स्टाइल से करती हूँ। इस वजह से मुझे इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। और खाद के लिए मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर प्रोवाइड करती हूँ। लिक्विड फर्टिलाइजर जो है जड़ों के लिए अच्छा होता है, वो जड़ें जल्दी अब्जॉर्ब कर लेती हैं। और इसमें मैं कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा देती हूँ, या तो मैं स्टोन डस्ट डालती हूँ या फिर चूने का पानी लिक्विड करके डालती हूँ, इससे मुझे इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। अभी तक मैंने इसमें 3-4 बार टमाटर तोड़ लिया है और उसके बाद भी इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हो रही है। सो प्लीज़ आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा टमाटर के बारे में, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।